हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी रेसिपी है दिवाली स्पेशल थाली। तो आज हम दिवाली के लिए एक स्पेशल थाली बनाएंगे जो बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे एंड साथ ही में हम इसे 60 मिनट के अंदर बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम थाली में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। थाली में मेरे पास यहाँ पे है खीरे का रायता, साथ में मैंने बनाया है ड्राई आलू मटर, मखाने की ग्रेवी जिसे आप पुलाव के संग खा सकते हो, और हमने बनाई है इंस्टेंट रबड़ी, और साथ में हमने बनाया है कढ़ाई पनीर, और हमने बनाया है पुलाव। तो मैंने यहाँ पे काजू के पुलाव बनाए हैं, आप इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और साथ में हमने रखी है पूड़ी। और ये सारी पूरी थाली को हमने 60 मिनट के अंदर बनाया है। तो चलिए जल्दी से इन सब चीज़ों की रेसिपी भी देख लेते हैं कि ये सब चीज़ों को किस तरीके से बनाएंगे। अब थाली के लिए सबसे पहले हम पुलाव बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कुकर लिया था जिसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, और साथ में हमें मखाने भी भूनने हैं, इसलिए बगल की गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है जिसमें भी हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। हम घी में मखानों को भूनेंगे, आप ऑयल में भी भून सकते हो। और अब कुकर में हम अपने सूखे मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ते डाले हैं, 2 हरी इलायची डाली है, 4 लौंग और 4 काली मिर्च डाली है, और इन सभी चीज़ों को 30 to 40 सेकेंड कुक करेंगे हल्का सा, ताकि गर्म मसाले हल्के से कुक हो जाएं खड़े मसाले। और हम मखाना भी डाल दे रहे हैं पैन में, और मखाने को हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भूंज लेंगे, जिससे हमारे मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे और इस पर घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेम आप लो मीडियम रखें वरना मखाने जल जाएंगे। हमने अपने सारे खड़े मसालों को भी हल्का सा भून लिया है, तो हम इसमें काजू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजुओं को हल्का सा तोड़ के ले लिया है, और इसे भी 40 to 50 सेकेंड हल्का सा कुक कर लेंगे ताकि काजू हल्के से भून जाए। फिर इसमें चावल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बासमती राइस लिया था जिसको धो के 10 मिनट पानी में भिंगो दिया था, और उसके बाद उसका पानी निकाल दिया है। तब इसे भी डाल के 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, जिससे चावल में घी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो हम घी के संग चावल को कुक कर ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, जब तक आप बीच बीच में मखाने भी चला लें वरना मखाने जल जाएंगे। तो चावल भी हमारा भुंज गया है हल्का सा 1 मिनट के लिए, मैं इसे फिर से चला ले रही हूँ। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला है, आप इसमें हल्का सा शुगर भी डाल सकते हो। ऐसे पे मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है, जितना मैंने चावल लिया था उतना ही पानी डाला है, और इसे मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। और अभी मेरे मखाने भी कुक हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट हो गए हैं और मखाने कुक हो गए हैं। तो हम कुकर का ढक्कन लगा दे रहे हैं और इसे एक हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक कुक करेंगे, फिर हमारे चावल पक जाएंगे। और ये देखिए मखाने भी हमारे भुंज गए हैं। तो मखानों को हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन गरम किया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हो। इसमें हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, और इसे हमें बॉयल लाना है। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें तो 5 मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा। और जब तक हमारे दूध में बॉयल आ रहा है, मैंने बगल में एक पैन चढ़ा लिया जिसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाला था, जिसमें हमें अपने पनीर को हल्का सा फ्राई करना है, दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ऐसा। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर डाल दे रही हूँ, और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि हल्का सा कलर आ जाए इसमें। और मैंने इसे ढक दिया है क्योंकि इससे तेल के छींटे आ रहे थे। अब इसमें हमारे दूध उबल गया है, तो मैं इसमें ब्रेड क्रम डाल रही हूँ। तो मैंने 2 ब्रेड के साइड्स हटा के उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो जो मैं इसमें डाल दे रही हूँ ब्रेड क्रम से हमारे दूध को थिक होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे दूध के संग, फ्लेम मीडियम है यहाँ पर, आप इसे बीच में चलाते भी रहें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाला है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मीठा कम ज़्यादा आप जैसा प्रेफर करते हो उतनी चीनी डालो। अब हम चीनी को भी डाल के अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे बीच में पनीर को भी पलट लिया, क्योंकि पनीर मेरे एक साइड से हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे।
अब हमारे दूध में चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया था, जिसमें हल्का सा दूध डाल के उसका पेस्ट बना लिया था। इस तरह से पेस्ट बना के अगर आप दूध में डालोगे तो इसके लम्ब्स नहीं बनेंगे और बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो अब मैंने डाल के इसे मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट इसे कुक करेंगे। अब बीच में से चला भी लें वरना ये नीचे से चिपक सकता है। और साथ में हम इसमें बीच में ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को काट के डाला है, 1 चम्मच काजू 1 चम्मच बादाम। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे इलायची, तो मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची ली थी, आप पाउडर भी डाल सकते हो। ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पनीर भी कुक हो गए हैं दोनों साइड से, इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं कुक करना, बस हल्का सा ब्राउन कलर लाना है इसमें, गोल्डन ब्राउन कलर। तो भाई रबड़ी ऑलमोस्ट कुक हो गई है, हल्की सी थिक भी हो गई है। तो जब तक हमने जिस पैन में पनीर को फ्राई किया था उसी पैन में मैं यहाँ पे शिमला मिर्च फ्राई कर ले रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी 100 ग्राम, और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए हमारी रबड़ी भी बन गई है और हमारे शिमला मिर्च भी फ्राई हो गए हैं। तो हम अपनी सब्जी बनाएंगे और रबड़ी को आप साइड में रख दें, आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख के भी सर्व कर सकते हो ठंडी ठंडी। तो अब सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम की है, जिसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाला है, और इसमें डाला है 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग और 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। इन सभी चीज़ों को तेल में डाल के हम 30 से 40 सेकंड कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना है। अब हमें मसाले डालने हैं, जिसके लिए मैंने फ्लेम लो कर दिया है। तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच और साथ में 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और सभी को तेल में मिक्स करेंगे। फ्लेम लो रखें वरना मसाले जल जाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, 3 से 4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, 1 इंच अदरक लिया था और 20 काजू लिए थे, और सबका पेस्ट बना लिया है तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी भी डालेंगे हल्का सा। मैं अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर ले रही हूँ, इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि ये तीती नहीं होती, बस इससे अच्छा रेड कलर आता है। लेकिन अगर आप स्पाइसी मिर्च डाल रहे हो तो हिसाब से डालो, वरना आपकी ग्रेवी तो गई। तब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हो मिर्ची डालते ही कितना अच्छा रेड कलर आ गया हमारी ग्रेवी में। तो हम मिर्ची को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, और मैंने अभी यहाँ पे फ्लेम मीडियम कर लिया है। ऐसे कवर करके हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ग्रेवी को हम दूसरी गैस पे रख देंगे और इस गैस पे हम बनाएंगे आलू मटर दिया है, और इसे हम बीच बीच में चला के कुक करेंगे जब तक हम अपने आलू मटर बना लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली झटपट बन जाएंगे। तो मैंने एक पैन में 1 बड़े चम्मच तेल गरम किया है और उसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा और साथ में हल्का सा हींग। ऐसे हल्का सा कुक करेंगे 30 से 40 सेकंड, जब तक हमारे जीरे कुक हो जाए तब तक के लिए, बस ज़्यादा नहीं कुक करना। और इसमें डालेंगे मटर। तो मैंने यहाँ पे 1 कप हरी मटर ली थी, फ्रोज़न है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हो। ऐसे मिक्स करके भी 1 मिनट के लिए हल्का सा कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ पे अभी गैस की मीडियम है। अब हम इसमें फिर आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम आलू लिए थे, जिसे बॉयल करके छील के मैंने कट कर लिया है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, जब तक हमारे आलू और मटर हल्के से फ्राई हो जाएं। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। साथ में हम यहाँ पे पैन का ढक्कन हटा के अपनी ग्रेवी को भी मिक्स कर लेंगे और बिना कवर किए इसे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे, ताकि हमारे मसालों में से ऑयल सेपरेट हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है और ग्रेवी को भी आप बीच बीच में चला लें। तो हमें अपने आलू में मसाले डालने हैं, तो हम इसे एक बार मिक्स कर ले रहे हैं। ऐसे 2 मिनट कुक कर लिया है हमने।
इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, साथ में 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर एंड 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। और अब सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे आलू के संग अच्छे से। तो मैं आलू में मसाले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर हम इसमें यहाँ पे नमक भी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक को भी आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, फ्लेम मीडियम है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, बीच में ग्रेवी भी चलाते रहें। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के करीब हरी धनिया डाली थी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके 1 मिनट कुक करेंगे ताकि इसका में धनिया का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, बस 1 मिनट कुक करना है और हमारे आलू मटर बनके तैयार हो जाएंगे। तो हमारे आलू मटर बनके तैयार हैं। और ग्रेवी को भी हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से बिना कवर किए भून लिया था, और हमारी ग्रेवी से भी ऑयल सेपरेट हो गया है। तो हम आधी ग्रेवी को दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें इसी सेम ग्रेवी में मखाने की सब्ज़ी बनानी है और पनीर शिमला मिर्च भी कढ़ाई पनीर बनाना है। तो मैंने आधी ग्रेवी को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया, उस कढ़ाई में मैंने हल्का सा ऑयल डाला था ताकि मसाले जले ना। और हम दोनों कढ़ाइयों में नमक डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक मसालों में नमक नहीं डाला है टमाटर में। तो नमक को मिक्स कर लेंगे। दोनों गैस का फ्लेम मीडियम है अभी यहाँ पे, तो मैं नमक डाल के दोनों में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम दोनों में डालेंगे गरम मसाला। तो मैंने दोनों में ही 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और गरम मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम क्वांटिटी के मसाले हमें दोनों में डालने हैं, क्योंकि दोनों ग्रेवी इक्वली है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर भी दोनों में डाल दिया है, और इसे मिला लेंगे। तो हमारा ग्रेवी मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारे मखाने की ग्रेवी बॉईल हो रही है, हम अपनी दूसरी सब्जी बनाएंगे। अब तो हम इसमें डाल देंगे हमने जो कैप्सिकम फ्राई करके रखे थे, वो शिमला मिर्च और पनीर दोनों जो हमने फ्राई किया था, वो मसाले में डाल देंगे। और मसालों में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पनीर शिमला मिर्च मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। ऐसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, फ्लेम मीडियम है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कुक कर ले रही हूँ। अब हमारे पनीर कैप्सिकम में पानी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो दोनों सब्जी में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, और इसे फिर कवर करके कुक करेंगे। तो मैंने मिक्स कर लिया, और अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब मखाने की ग्रेवी में भी बॉयल आ गया है, तो हमने जो घी में मखाने रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे, और इसे मिक्स करके 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। मखाना को हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, क्योंकि तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इसे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हरी धनिया। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच हरी धनिया डाली है, और इसे भी मिक्स करके 1 मिनट कुक करेंगे, ताकि धनिया का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। तो मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ, और 1 मिनट के लिए बस और कुक करना है, फिर हमारे मखाने की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इस सब्जी को भी मैंने 4 मिनट बाद खोल लिया है, और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच क्रीम। आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, बट क्रीम से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच क्रीम डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई। तो हर धनिया को भी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और धनिया डालने के बाद भी हम इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो 1 मिनट बाद हमारी ये सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो हमारी दोनों सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो हम रायता बनाएंगे।
रायता बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी घिसा हुआ खीरा लिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही। तो मैंने दही को नमक और चीनी डाल के अच्छे से फेंट लिया था ताकि स्मूथ हो जाए, तो मैं दही डाल दे रही हूँ। और दही डाल के हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। हम इसमें बाकी चीज़ डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट के लाल मिर्च पाउडर की जगह पे। और इन सभी चीज़ों को भी मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी धनिया, ऐसे भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा रायता भी बन गया है, तो अब जल्दी से हम अपनी थाली लगाएंगे। तो लीजिए, 60 मिनट के अंदर बनके तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल थाली। आप भी इसे ट्राई करो। अगर आप ट्राई करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो, नेक्स्ट रेसिपी, वो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी में न्यू वीडियो के संग। तब तक के लिए टिल देयर टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।